अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान, आई एम द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स कैंट पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज वादत कलोनी टेक्सलाकेंट। जैसे कि हम क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर नंबर टू का नाम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। उसके पहले 8 सवाल आपके हो चुके थे, अब हम सवाल नंबर 9th करेंगे। सवाल नंबर 9th में लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 3। इसको सबसे पहले आपने सपोज करना है लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3। अब ये आपके पास ओवर की फॉर्म के अंदर आ गया। ओवर की फॉर्म में जब भी आपके पास आ जाए तो कौन सा रूल लगाते हैं बच्चों, आप बताएं, क्वेश्चन टूल। अब इस पे लगाना है आपने क्वेश्चन टूल, देखते हैं अभी। सबसे पहले आप दोनों साइड पे डेरिवेटिव का इजाफा करें, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस पर लगाना है आपने क्वेश्चन टू। देखें एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर डी नोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी नोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस फार्मूले का नोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डी नोमिनेटर। ये था मेरे पास स्केच था क्वेश्चन टूल का। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 3, जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर पे तो बनेगा 2x, जब मैं डेरिवेटिव 1 पे अप्लाई करूँगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर पे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा 3 पे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों में लिखा हुआ है 2x, तो दोनों में से आप कॉमन निकालें 2x और ब्रैकेट्स इन दोनों के ओपन कर दें, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला प्लस ये वाला आपके पास माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 4s आर दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 8x ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर था। इसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दें। ये था सवाल नंबर 9th। अब देखें इसके बाद सवाल नंबर 10th आपने लगाना है क्वेश्चन टूल, सवाल नंबर 11th पे भी आपने लगाना है क्वेश्चन टूल, सवाल नंबर 12th पे भी आपने लगाना है क्वेश्चन टूल, सवाल नंबर 13th पे भी आपने लगाना है क्वेश्चन टूल और सवाल नंबर 15th पे भी आपने लगाना है क्वेश्चन टूल। अब मैं आपको करवाता हूँ सवाल नंबर 16 आपको बाद में करवाता हूँ। सवाल नंबर 17 सेकेंड लास्ट, सवाल नंबर 17 इफ y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2, प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर रूट y माइनस 1। ये आपने प्रूफ करना है, इसकी मदद से आपने y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2x का स्क्वेयर प्लस 2, इसके मदद से आपने ये प्रूफ करना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर रूट y माइनस 1। इसी को लिखें दोबारा से, y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2। अब आपने डेरिवेटिव का इजाफा करें, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स 4, 2 मेरे पास कांस्टेंट, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 2। डेरिवेटिव का इजाफा करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स
पावर रूल, 4x का क्यूब, क्यूब कैसे आया, 4 में से 1 जाए 3 प्लस 2 डॉट 2x, 2 में से 1 जाए 1 बचता है, x की पावर के ऊपर वो लिखे ना लिखे की बात है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x का क्यूब, 2 2s are 4x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में से 4 भी कॉमन आता है, ये मेरे पास पावर 3 और ये मेरे पास पावर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, x एक पावर बढ़ जाएगी, अंदर बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर है, इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, dy ओवर dx। अब देखें प्रूफ के अंदर 4x तो आपके पास आ चुका है, 4x आपके पास आ चुका है, और आपको चाहिए स्क्वायर रूट y माइनस 1, इसी को लिखें दोबारा से इस वाले, अगेन y इज इक्वल टू x 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2। अब देखें यहाँ पे y तो मौजूद है, नेगेटिव 1 की कमी है, दोनों साइड पे माइनस 1 का इजाफा करें, y माइनस 1 x 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, दोनों साइड पे नेगेटिव का इजाफा किया, y माइनस 1 इज इक्वल टू x 4 प्लस 2x का स्क्वायर, 2 में से 1 जाए प्लस 1, और ये वाला आपके पास फार्मूला क्लोज होता है, कैसे, y माइनस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का फार्मूला आपके पास यहाँ पे क्लोज हो गया। दोनों साइड पे आप लें स्क्वेयरिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, y माइनस 1 स्क्वेयर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल, y माइनस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1, इसे नाम दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये वाली वैल्यू 2 की वैल्यू पुट कर दें 1 के अंदर, पुट 2 इन 1, देखें dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई, स्क्वेयर रूट y माइनस 1, और यही आपने प्रूफ करना था, प्रूफ डैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर रूट y माइनस 1, यही आपने प्रूव करना था, और ये वाला सवाल आपका इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता होता है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। सवाल नंबर 16, ये भी आपके पास सवाल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये वाला सवाल आता होता है। सवाल नंबर 16 लिखा हुआ है, इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x, शो डैट या प्रूव डैट, एक ही बात है, डी वाई 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ x, ये प्रूफ करना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ x, ये आपने प्रूफ करना है। देखें y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ x, दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव का इजाफा करें, देखें d ओवर डी एक्स इंटू वाई, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2, स्क्वेयर रूट की पावर क्या होती है 1 बाई 2, माइनस d ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर नेगेटिव 1 बाई 2, ये वाली पावर आपके पास ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी माइनस 1 बाई 2, आप यहाँ पे लगा दें पावर रूल इज इक्वल टू 1 बाई 2 शुरू में, एक्स 1 बाई 2 माइनस 1, ये बनेगा माइनस 1 बाई 2, एलसीएम आप लेके चेक करें, 1 बाई 2 माइनस 1 तो ये बनेगा आपके पास माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 शुरू में आ जाएगा, x माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1, ये बनेगा माइनस 3 बाई 2, एलसीएम लेके आप चेक करें,
माइनस वन बाई टू और माइनस वन का आप एलसीएम लें तो आपके पास बनेगा माइनस थ्री बाई टू। नेक्स्ट वन बाई टू, ये वाली पावर नीचे जाकर बनेगी अंडर रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस वन बाई टू, ये वाली पावर नीचे जाकर बनेगी टू इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये मैंने कैसे लिखा देखें, एक्स माइनस थ्री बाई टू को मैंने लिखा एक्स की पावर वन, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, दोनों पावर आपके पास नीचे गई तो वन बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये बना। अब दोनों साइड पे टू लिखा हुआ है, टू को मल्टीप्लाई करवाएं डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, मल्टीप्लाइंग टू ऑन बोथ साइड, टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स। देखें प्रूफ के अंदर टू भी आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स भी आ गया और एक्स मेरे पास में लिखा हुआ। एक्स को लाने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल क्योंकि मैंने एक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या बनेगा, टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये अंडर रूट आपके पास एक्स ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। अब देखें प्रूफ के अंदर टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो चीज़ आपके पास आ गई है। अब आपके पास y की कमी है, दोनों साइड पे क्या करेंगे आप, एडिंग y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप y का इजाफा कर दें, 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दें, कौन सी वाली, ये वाली देखिए, टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, इन दोनों को आप करें ऐड, टू अंडर रूट ऑफ एक्स। ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। सवाल नंबर 16 आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और एक्सरसाइज 2.3 आपकी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 मोस्ट